नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। आज सवालों से सचिन पायलट को सुलगाएंगे। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर तैयारी तेज कर दी है। इसको देखते हुए पार्टी ने 26 मई, 27 मई और 28 मई को दिल्ली में बैठक बुलाई है। सूत्रों की माने तो इस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच हो रही तानातनी पर भी चर्चा होगी। वहीं आशंका जताई जा रही है कि पायलट के खिलाफ कोई एक्शन भी लिया जा सकता है। सचिन पायलट और राहुल गांधी बचपन से दोस्त रहे हैं। सचिन के पिता राजेश पायलट और राजीव गांधी में भी दोस्ती थी। इंदिरा गांधी ने राजेश पायलट को युवा नेता बनाया था। दोनों परिवारों में कई दशकों से रिश्ता रहा है। सचिन पायलट का विद्रोह न सिर्फ राजनीतिक है बल्कि व्यक्तिगत तौर पर भी पीड़ा देने वाला है। एक तरफ राजनीति है तो दूसरी तरफ इमोशन है। एक तरफ बचपन का दोस्त है तो दूसरी तरफ गहलोत की दुश्मनी। इसलिए सचिन पायलट पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। आला कमान से पंगा लेकर क्या फंस गए पायलट? राजस्थान कांग्रेस में कैसे शांत होगा घमासान? क्या पायलट के खिलाफ एक्शन लेगी कांग्रेस? राजस्थान की फाइट कैसे चुनाव को करेगी प्रभावित? इन सवालों से राजस्थान का सियासी पारा हाई हो गया है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच अनबन का असर कांग्रेस पार्टी में साफ देखने को मिल रहा है। इन दोनों के बीच के विवाद ने कांग्रेस पार्टी में हलचल मचा दी। अब मसला ये है कि पार्टी चुनाव की तैयारी करे या फिर कांग्रेस में आई फूट की दरारें भरे। दरअसल सूत्रों के मुताबिक 26 मई को राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक के दौरान ही सचिन पायलट और गहलोत के बीच विवाद को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। अगर मामला सुलझ गया तो ठीक है, वरना फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बार आने वाले दिनों में पायलट पर कोई आखिरी फैसला कर सकते हैं, क्योंकि पार्टी में कई नेताओं का मानना है कि ऐसे चुनाव में नहीं जाया जा सकता। एक तरफ पार्टी प्रचार में लगी होगी तो दूसरी तरफ पायलट विरोध प्रदर्शन और आंदोलन करते रहेंगे, जिसका पार्टी में काफी बुरा असर पड़ेगा। आर या पार, सियासी तकरार, राजस्थान कांग्रेस में रार, पायलट गहलोत विवाद अब सुलझ जाएगा, क्या पायलट कांग्रेस से अलग होंगे? तो चलिए बताते हैं आखिर कांग्रेस के खेमे में इस आपसी लड़ाई का कारण क्या है। दरअसल हाल ही में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जन संघर्ष यात्रा निकाली थी। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी पार्टी के नेता और सीएम अशोक गहलोत ने वसुंधरा राजे की सरकार के दौरान हुए कथित भ्रष्टाचार को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की है। वहीं कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने इसे पायलट की निजी यात्रा बता दिया था। पायलट लगातार कह रहे हैं कि 4 साल से ज्यादा हो गए लेकिन राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार पर कुछ नहीं किया। मैंने सीएम अशोक गहलोत को 2 बार मामले पर लेटर भी लिखा लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हाल ही में अशोक गहलोत ने पायलट और उनके गुट पर निशाना साधते हुए कहा था कि सरकार गिरने के लिए विधायकों ने बीजेपी से पैसे लिए थे। इस पर पायलट ने पलटवार किया कि गहलोत गलत बयान दे रहे हैं। आपको बता दें कि सचिन पायलट ने गहलोत सरकार को अपनी मांग मानने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था। 15 दिन पूरे होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन सीएम गहलोत ने पायलट की मांगों के सिलसिले में किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी, जबकि कांग्रेस पार्टी भी सचिन पायलट से दूरी बनाई हुई है। पायलट ने RPSC का पूर्ण गठन, पेपर लीक, पीड़ितों का मुआवजा और वसुंधरा सरकार के कार्यकाल के घोटालों की जांच की मांग की थी। ऐसा नहीं होने पर आंदोलन करने की धमकी भी दी है। कांग्रेस आलाकमान मांगों को लेकर गंभीर नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कांग्रेस पार्टी ने सचिन पायलट के आंदोलन, अल्टीमेटम और विरोध को दरकिनार कर दिया है। दूसरी तरफ अब खड़गे ने गहलोत और डोटासरा को बैठक के लिए दिल्ली बुलाया है। सचिन पायलट के अल्टीमेटम को कांग्रेस ने दरकिनार कर दिया है। पायलट ने जो मांगे उठाई थी उन मांगों को लेकर कांग्रेस आलाकमान नाराज हो गया है। यही वजह है कि अल्टीमेटम के बावजूद पायलट को आलाकमान ने बैठक के लिए नहीं बुलाया है। वहीं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रंधावा का कहना है कि सचिन पायलट ने कर्नाटक चुनाव से पहले जन संघर्ष यात्रा निकालकर ठीक नहीं किया, मैसेज गलत जाता है इससे।
रंधावा ने कहा कि पायलट को गजेंद्र सिंह शेखावत के संजीवनी घोटाले की जांच की मांग भी उठानी चाहिए थी। रंधावा ने इशारों में सचिन पायलट को नसीहत दी। हालांकि रंधावा का कहना है कि कांग्रेस किसी को निकालती नहीं, जो कांग्रेस छोड़ कर गए हैं उनका हश्र सभी के सामने। सीधे तौर पर रंधावा सचिन पायलट को ये सीख भी देते नजर आ रहे हैं कि अगर उन्होंने पार्टी छोड़ी तो उन्हें जितना कांग्रेस में मिला है उतना कहीं भी नहीं मिलेगा। बहरहाल गहलोत और सचिन पायलट के बीच की ये खींचतान का कांग्रेस पार्टी में काफी बुरा प्रभाव होने वाला है। एक तरफ जहां पार्टी गहलोत के लिए प्रचार करने में लगी होगी, तो वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट अशोक गहलोत पर सवाल उठा रहे होंगे, आरोप लगा रहे होंगे और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलने में लगे होंगे। हालांकि ऐसा लगता है कि कांग्रेस अब सचिन पायलट पर ज्यादा तवज्जो नहीं देगी, जिसके बाद सचिन पायलट के पास दो ही ऑप्शन बचेगा, या तो पायलट अपनी अलग पार्टी बना ले या फिर बीजेपी में शामिल हो जाए। फिलहाल के लिए सुलगता सवाल में इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।